नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई की सिटी न्यूज। पुलिस की चपेट में आए दो फर्जी पत्रकार, पुलिस ने भेजा जेल। हाईवे पर ट्रक चालकों से करते थे वसूली, पकड़े गए दो युवक। अपने आप को बता रहे थे इंडिया न्यूज चैनल का पत्रकार। ट्रक के ठेकेदार से 10,000 रुपए की थी हर महीने की मांग। थाना सिकंदरा के रुनकता चौकी क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी पत्रकार और उसका साथी पकड़ा। पूरा मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र की चौकी रुनकता का है। ठेकेदार ने ही फर्जी पत्रकारों पर लिखवाया वसूली का मुकदमा। ट्रक चालकों से करते थे वसूली, ठेकेदार से महीनेदारी में 10,000 रुपए की थी मांग। इंस्पेक्टर कमलेश सिंह के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज रुनकता केशव सांडयाल ने बाईपास पर ट्रकों से वसूली करते हुए आज रंगे हाथ फर्जी पत्रकारों को दबोचा। इस पूरे मामले में चौकी इंचार्ज केशव सांडयाल का कहना है कि इन फर्जी पत्रकारों की मेरे पास पहले से ही सूचना थी, मगर मुझे इन्हें रंगे हाथ पकड़ना था। अपने आप को इंडिया न्यूज चैनल का पत्रकार बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनकी शिकायत ट्रक चालक के ठेकेदार ने बताया है कि यह हमसे 10,000 रुपये महीने की मांग कर रहे हैं। जब हमने इनसे मना किया तो हमें प्रेस की धमकी देने लगे और कहा तो हमें जेल भिजवा देंगे अगर हमें पैसे नहीं दिए तो। पकड़े गए दो अभियुक्तों के नाम मनीष कुमार सन ऑफ किशन सिंह निवासी दागन क्षेत्र के लक्ष्मी डेयरी के पास कमाल का जगनेर रोड और दूसरा दीपू उर्फ दीपक सन ऑफ वीरेंद्र सिंह निवासी रुनकता का रहने वाला है। यह दोनों अभियुक्त अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। घटना की वारदात को अंजाम यह दोनों अभियुक्त एक साथ दिया करते थे। फर्जी पत्रकारों से पकड़ी गई एक्टिवा पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है पत्रकार। पुलिस जेल भेजने की कर रही है तैयारी। वाई के सिटी न्यूज से हरजीत सिंह, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट, आगरा से।